हेलो फ्रेंड, मैं हूं निहाल यादव और आप देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एनके मैथ्रिक। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारे से वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं आज बताऊँगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, काफ़ी एक शानदार एक भारतीय ट्रिक से। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने अगर विदेशी ट्रिक नहीं दिखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप विदेशी ट्रिक को देख लीजिए। अगर आप भारतीय ट्रिक चाहते हैं तो ये वीडियो आप सही देख रहे हैं, ये वीडियो एक भारतीय ट्रिक है। दोस्तों, काफ़ी शानदार लाजवाब ट्रिक है। आइए दोस्तों, हम बताएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में हमसे रूट 7 का मान पूछ लिया जाता है, रूट 10 का मान पूछ लिया जाता है, रूट 12 का मान पूछ लिया जाता है, रूट 131 का मान पूछ लिया जाता है। हम काफ़ी समय लगाते हैं, लगभग हमें 10 मिनट लग जाते हैं इन मानों को निकालने में। कितने मिनट? 10 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों, आज से आप 10 मिनट नहीं बल्कि 2 सेकेंड में आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेकिन हमें तो रूट 4 का मान पता होता है 2, रूट 9 का मान पता होता है 3 होता है, रूट 25 का मान तुम्हें पता होता है 5, रूट 100 का मान पता होता है हमें 10 होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है रूट 7 का मान कितना होता है, रूट 10 का मान कितना होता है, रूट 12 का मान कितना होता है, रूट 131 का मान कितना होता है। दोस्तों, आज हम ये शानदार ट्रिक लेकर आए हैं, एक लाजवाब ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप इन सभी का मान निकालेंगे बिल्कुल 2 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में, यानी कि 10 मिनट की जगह आप 2 सेकेंड में इनको आप सॉल्व करेंगे। कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड, क्या है ट्रिक, क्या है वो शानदार ट्रिक। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला हम लेते हैं, अगर हमें रूट 7 का मान हमें निकालना है। कितना मान? रूट 7 का मान। रूट 7 का मान अगर हमें निकालना है तो मैं एक शानदार इस पर फार्मूला भी बना दूँ। दोस्तों, फार्मूला एक जड़ होता है सभी क्वेश्चन को करने का। फार्मूला मैं पहले आपको बता देता हूँ, फार्मूला क्या है। फार्मूला है हमारा एक्स प्लस माइनस वाई किसमें रहेगा? रूट में। ओके फ्रेंड, इक्वल एक्स रूट में एक्स प्लस माइनस वाई अपन 2 इंटू रूट में एक्स। ओके फ्रेंड, 2 इंटू रूट में एक्स, यही हमारा एक शानदार लाजवाब ट्रिक है। क्या है? शानदार लाजवाब ट्रिक है। ओके फ्रेंड, यही है ट्रिक, यही है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इस ट्रिक का, कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, मैं वादा करता हूँ आप लोग से। अगर हमें रूट 7 का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? रूट 7 को हम 4 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। रूट 7 को हम 4 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं? हमने क्यों 4 प्लस 3 लिखा? क्यों 4 प्लस 3 लिखा? क्यों नहीं हम 5 प्लस 2 लिख लिया? क्यों लिखा? क्योंकि हमें यक्स जो यहाँ पर जो संख्याएं होंगी वो परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट उसकी स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम फोर को रूट से बाहर निकालते हैं तो हमको मिलता है 2। अगर हम वहीं रूट 5 को हम बाहर निकालते हैं तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होता। रूट 5 का मान हमें दशमलव प्राप्त है, लेकिन हमें दशमलव नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड, इसलिए मैंने यहाँ पर रूट 7 को हमने 4 प्लस 3 में डिवाइड किया, बांटा है। ओके फ्रेंड, तो हमें अब क्या करना है, जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो हमें यहाँ प्लस रखना है, जब यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पर हमें क्या प्लस है तो हमें यक्स का क्या रखना है, रूट में 4 प्लस वाई यानी कि 3 रखना है अपान 2 इंटू रूट में 4 रखना है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर जो संख्या यक्स है
ये यक्स होगा, ये क्या होगा, वाई होगा। ओके फ्रेंड, अब रूट में है 4, इसे हम बाहर निकालने तो हमें मिलेगा 2 + 3/5, क्या होगा 2 × यहाँ क्या मिलेगा हमें 2 + 3/4। यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 × 8 = 11, 11 × 4 होगा। अब हम 4 से 11 में भाग देंगे तो कितना होगा, 4 × 8 = 8, 8 × 3 = 11, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे हम, 0 लिखेंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पर हम भाग देते हैं, देखिए 4 × 8, ओके फ्रेंड 4 × 8, 3 बचेगा हमारा शेष, 0.00, 4×4 = 28, ओके फ्रेंड यानी कि 2.7 हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ओके फ्रेंड, आइए देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अगर हमें रूट 12 का मान निकालना है, कैसे निकलेगा, रूट 12 को हम लिख सकते हैं फ्रेंड 9 + 3, कितना लिख सकते हैं 9 + 3। ओके फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक और शानदार ट्रिक से जोड़ता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर 9 लिखा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जब रूट में 4 लिखा तो हम ये इस लाइन को गैप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने रूट में 4 लिखा तो अपने दिमाग में कर लीजिए, अगर हमने यहाँ रूट में 4 लिखा है तो आप हमें 2 ग्रांटी लिखना है, अगर हम यहाँ पर जो अंक लिखा है हमने वही अंक यहाँ पर लिखा है, लिखा है कि नहीं, लिखा है ना फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, हम इस 9 को रूट में 9 करेंगे तो क्या होगा हमारा 3 + y = 3/5, फिर यहाँ पर हम क्या कहेंगे 2 × यही संख्या यहाँ भी लिखेंगे 3। ओके फ्रेंड, 3 + 3/5 क्या होगा यहाँ पर 6। ओके, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 36 + 18 = 221 ओके फ्रेंड, जब हम 6 में 21 का भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3.5 हमारा रूट 12 का मान होगा, रूट 12 का मान 3.5 होगा। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये एक शानदार विदेशी ट्रिक है दोस्तों, विदेशी ट्रिक, विदेश वाले ऐसे ही यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, देखिए क्या है, रूट में 26 का आप शानदार है, देखिए हम लिख लेंगे 22 + 25 + 1। ओके फ्रेंड, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट 25 को हम रूट में से निकालेंगे, कितना होगा 5 + 1/5, कितना होगा यहाँ पर लिखेंगे 2 × 5 यानी कितना होगा 10, इक्वल कितना हो जाएगा 51/10, 51/10, ठीक है, तो हम 10 में 51 का भाग देंगे, कितना होगा हमारा 2.5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों आइए देखते हैं एक और शानदार ट्रिक, काफी लाजवाब ट्रिक, इसी में देखें क्वेश्चन नंबर हम 4 में लेते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, रूट में 36 का मान हमें पता है 6 होता है, क्यों हमने रूट में 26 लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए हो जाएगा आसान। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट में 34 को हम लिख सकते हैं 36 - 2। ओके फ्रेंड, 36 - 2, अब हमें 36 को हम बाहर निकालेंगे रूट से, कितना होगा 6 - 2/12, क्योंकि 2 × 6 होगा तो 12 हमें प्राप्त होगा, 12 को हम 2 से काट देते हैं, देखिए कितना होगा 6 × 6 = 36, 1 घटे कितना बचेगा 35/6। ओके फ्रेंड, अब हम यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5.8, ये इस क्वेश्चन का 5.8 आंसर होगा। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।